अक्षय कुमार की नागरिकता यानी सिटीजनशिप पर चल रहे बवाल से जुड़ी एक हैरतअंगेज खबर सामने आई है। अक्षय पर झूठ बोलने का आरोप लग चुका है। एक सोशल मीडिया यूजर ने उन पर सिटीजनशिप को लेकर झूठा स्टेटमेंट देने का आरोप लगाया है, वो भी सबूत के साथ। दरअसल सिटीजनशिप विवाद में फंसे अक्षय कुमार ने कहा था कि वो 7 सालों से कनाडा नहीं गए, लेकिन उनके खिलाफ एक यूजर ने सबूत के तौर पर इस ट्वीट की फोटो शेयर की जिसे मिका सिंह ने लिखा था। ये 9 मार्च 2014 का ट्वीट है। मिका ने ट्वीट किया है, गुड मॉर्निंग, अक्षय कुमार, राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी, राहुल खन्ना के साथ शानदार पार्टी की। मिका के ट्वीट में हैशटैग दिया है किशोर लूला टोरंटो। दूसरे स्क्रीनशॉट में अक्षय कुमार टोरंटो के एक होटल में टीना वीरमानी के संगीत में और एक तस्वीर में शादी में नजर आ रहे हैं। अक्षय ने ट्विटर पर सफाई देते हुए लिखा था, मुझे समझ नहीं आता कि मेरे नागरिकता को लेकर लोग बेवजह इंटरेस्ट लेकर नेगेटिविटी क्यों फैला रहे हैं। मैंने कभी नहीं छुपाया कि मेरे पास कनाडा का पासपोर्ट है। ये बात भी सच है कि मैं बीते 7 साल से कनाडा नहीं गया। मैं भारत में काम करता हूँ, अपने सारे टैक्स भारत में ही अदा करता हूँ। इतने साल में मुझे कभी किसी के सामने भारत के लिए अपना प्यार साबित नहीं करना पड़ा। ये निराश करने वाली बात है कि बिना मतलब के विवाद में मेरी नागरिकता को बार बार घसीटा जा रहा है। ये मामला पर्सनल, लीगल, नॉन पॉलिटिकल होने के साथ ऐसा है जिसे किसी को मतलब नहीं होना चाहिए। आखिर में मैं उन छोटी छोटी चीजों में अपना योगदान देता रहूंगा और भारत को और मजबूत बनाता रहूंगा। वेलिस यूजर ने अक्षय के झूठ को पकड़ लिया है। अब अक्षय की ओर से क्या रिएक्शन आएगा, ये देखने वाली बात होगी। इस सच को जानकर अब आप अक्षय को किस नज़र से देखोगे? पोस्ट करिए अपने कमेंट्स।